आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि फ्लिपकार्ट पे कोई भी सामान खरीदते हैं या लेते हैं तो नेट बैंकिंग से कैसे पेमेंट करते हैं, तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, क्विक इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्लिपकार्ट पे नेट बैंकिंग से पेमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में फ्लिपकार्ट ऐप को ओपन करना है। तो चलिए हम फ्लिपकार्ट ऐप ओपन करते हैं। फ्लिपकार्ट ऐप ओपन करने के बाद यहाँ से आपको जो भी चीज़ सामान खरीदना है या लेना है उस चीज़ को यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप जो भी अपने मनपसंद का सामान लेना चाहते हैं, अगर आपको उस चीज़ का नेम याद है तो सिंपल आपको ऊपर में सर्च बॉक्स पे क्लिक करना है और इस चीज़ का नाम सर्च कर लेना है। तो चलिए हमको आसूस का लैपटॉप चाहिए, तो यहाँ पर हम आसूस का लैपटॉप यहाँ पर हम सर्च करते हैं। यहाँ पर आसूस कोर i3 पर यहाँ का लैपटॉप जैसे हम सर्च करेंगे तो उस चीज़ से रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारा लिस्ट दिख जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो भी सामान खरीदना है लेना है उस चीज़ को यहाँ सबको पसंद कर लेना है। तो चलिए हमको इस लैपटॉप को लेना है, तो हम इस लैपटॉप पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे में आपको एक बाय नाउ का ऑप्शन मिलेगा। अब आपको नीचे में बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको थोड़ा देर सर्च लेगा, तब तक आपको वेट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सर्च ले रहा है। तो यहाँ पर सर्च लेने के बाद आपको अगला जो ऑप्शन है वो आपको एड्रेस से रिलेटेड मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सर्च ले रहा है तो यहाँ पर समय लगेगा। तो यहाँ पर आपको अपना एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है या चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको चेंज कर सकते हैं। एड्रेस यहाँ पर लेने के बाद आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग से पेमेंट करने के लिए यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको अगला जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको बैंक सेलेक्ट करने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारा बैंक आ गया है। तो चलिए यहाँ पर मेरा स्टेट बैंक का अकाउंट है तो हम स्टेट बैंक पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक पे नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा, तब आपको यहाँ पर पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर मेरा यहाँ पर अभी पे नाउ का ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर अभी स्टेट बैंक का जो वेबसाइट है उस पर अभी यहाँ पर मेंटेनेंस का काम चल रहा है। तो यहाँ पर जब मेंटेनेंस का काम चलता है उस वक्त आप नेट बैंकिंग नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हम नाइट में वीडियो बना रहे हैं, इस चलते यहाँ पर अभी यह प्रोसेस में है। तो यहाँ पर आपको जैसे ही स्टेट बैंक सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पर आपको एक पे नाउ का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आपको पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद वहाँ पर आपको ब्राउजर ओपन हो जाएगा और वहाँ पर आपको अपना यूजर आईडी जो भी वहाँ पर आपका यूजर आईडी है, पासवर्ड है, उसको यहाँ पर डाल देना है। डालने के बाद वहाँ पर आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पर आपको कन्फर्म करने के लिए कहेगा, तो आपको कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करने के बाद आपके मोबाइल पे एक OTP जाएगा, उस OTP को डालने के बाद आपका जो पेमेंट है वह स्टेट बैंक से सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इस तरह से आप भी अपने फ्लिपकार्ट पे नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।